Hi, this is our group Phoenix and we are today's Funkar in this episode of Funkari. My name is Mohammad Waqar Ehsan and I study in Karachi School of Arts. And we are foundation year students and our first year. और हम लोगों को एक शुरू स्टार्टिंग में हम लोगों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली पेप्स वालों की तरफ से कि उन लोगों ने एक स्कल्पचर का कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया और जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अल्लाह के फजल करम से हम लोगों ने उसमें थर्ड पोजीशन हासिल की। अब उसमें हम लोगों को ये था कि जो ऑटोमोबाइल के जो स्पेयर पार्ट्स थे, जो स्क्रैप मटीरियल होता है, उससे हम लोगों को एक स्कल्पचर खड़ा करना था। तो इसलिए हम लोगों ने उसके लिए कुछ आइडियाज़ और चीज़ें जमा करना शुरू की और उसके थ्रू फिर हम लोगों ने एक स्कल्पचर खड़ा किया। जब ये ऑर्गेनाइज हो रहा था इस तरह का एक कॉम्पिटिशन, तो हमारे टीचर्स ने हम लोगों को बताया कि इस तरह का एक कॉम्पिटिशन हो रहा है जो पेप्स वाले ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और उन लोगों ने फिर हमारी हेल्प की, हमें सपोर्ट किया और हमें आइडियाज़ दिए कि किस तरह हम लोग एक स्कल्पचर खड़ा कर सकते हैं। और इस तरह हम लोगों ने एक पूरा हम लोगों का एक आइडिया हम लोगों ने बिगिन करना शुरू किया। हम लोग को जो हमारे जो स्कल्पचर था उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी दिमाग लड़ाया कि हम लोग क्या बनाए, क्योंकि जहाँ पे हम लोग जाते थे वहाँ पे कोई ना कोई एक स्कल्पचर बन रहा था और हर एक एक से बढ़कर एक होता था। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो काफ़ी यूनिक हो। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने थोड़ा दिमाग लड़ाया कि बर्ड और इस तरह की चीज़ें हम लोग थोड़ा कोशिश करें कि अवॉइड करें, लेकिन फिर आखिर में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और एज अ टीम लीडर, मैं फुटबॉल फ़ैन हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फ़ुटबॉल टीम को सपोर्ट करूँ, और मैंने उसके लिए मैंने अपनी फ़ुटबॉल टीम से एक इंस्पिरेशन ली जो लिवरपूल फुटबॉल क्लब है, जिससे मैंने उनका जो मेन लोगो है फिनिक्स का, मैंने उस चीज़ से इंस्पायर होकर मैंने हम लोगों ने मिलकर एक आइडिया तैयार किया कि हम लोग इस चीज़ को बना सकते हैं। और फिर हम लोगों ने उसको उसी आइडिया को रख के हम लोगों ने एक स्कल्पचर बनाने की तैयारी की। अब हम लोगों को जो स्कल्पचर बनाना था वो स्क्रैप मेटल से बनाना था, जो स्क्रैप ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं। तो हम लोगों ने फिर चीज़ें जमा करना शुरू की। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को रीज़नेबल प्राइस में, अच्छे रेट्स में हम लोगों को वो चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं। तो हम लोगों ने फिर दो तीन जगहों पर जाके सर्वे किया कि यहाँ पर हम लोगों को, जैसे रणछोड़ लाइन है वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर हम लोगों ने जाके देखा कि हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं और अच्छे रेट्स में मिल रही थी और अच्छी क्वालिटी में मिल रही थी। तो हम लोगों ने वहाँ से भी चीज़ें जमा की, और फिर उसके बाद हम जब ये चीज़ें जमा हो रही थी, उसी दौरान हमारे दो मेंबर्स जो थे वो पीछे स्कूल में बैठ के या फिर अपने घरों में बैठ के स्केच बुक्स पे वो उस बर्ड का, उस फिनिक्स का एक आइडिया, एक स्केच बना रहे थे, एक रफ स्केच बना रहे थे। ताकि हम लोग को पता चले कि एक बॉडी पार्ट जो हम लोग खरीदेंगे वो किस जगह पर यूटिलाइज हो सकता है, कि अगर हम लोगों ने एक बम्पर ख़रीदा तो वो बम्पर किस किस जगह पे यूज़ हो सकता है, हेडलाइट अगर हम लोगों ने खरीदी तो वो हेडलाइट कहाँ पे यूज़ हो सकती है। तो इस तरह करके हम लोगों ने काफ़ी पार्ट्स जमा किए और एक फुल प्लानिंग के साथ हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें जमा करना शुरू कर दी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोगों ने वो चीज़ें जमा किए और ला के हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट किए, और उसमें हम लोगों ने फिर एफर्ट लगाया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक ब्लू प्रिंट बनाया जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट 3D सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किए, और उन सॉफ्टवेयर के थ्रू बना के हमने एक बड़ी एक प्रेजेंटेशन बनाई। फिर उस प्रेजेंटेशन को जब हमने अप्रूव करवाया, फिर उसके बाद हमने उस पर काम करना शुरू किया। हम लोगों ने वैसे फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों की कोई बिल्डिंग एक्सपीरियंस इतना था नहीं, तो हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें पूरा एक प्रोसेस बताया कि किस तरह वेल्डिंग होती है, कहाँ से शुरू होती है, किस तरह उसको यूज़ करना होता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उन मटेरियल्स को यूज़ किया, और उस जो सर ने हमें नॉलेज दी थी उस नॉलेज को यूज़ करते हुए हमने उस जो पार्ट्स से उन लोगों को जोड़ना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते अल्लाह के करम से हम लोगों ने फिर एक तकरीबन ऑलमोस्ट 6 फीट का हम लोगों ने एक स्कल्पचर खड़ा किया। हम लोग जब ये काम कर रहे थे उस वक्त हम लोग इतने एक्साइटेड हुए हुए थे, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट ईयर था और शुरू के 3 महीने में हम लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम लोग यकीन नहीं कर सक रहे थे कि हम लोग इतने खुश नसीब हैं। और हम लोग इतने एक्साइटेड हुए हुए थे उस काम को करने के लिए कि हमने अपनी पूरी जान लगा दी थी, हमने अपनी सेहत ख़राब कर ली थी एक तरीके से उसको काम को करते हुए। लेकिन फिर बाद में आपने देखा कि अल्लाह के करम से हम लोगों को कामयाबी मिली और हम लोगों ने इतना बड़ा प्राइज़ जीता। हम लोगों ने, जैसे बोलते हैं ना कि समवन्स ट्रैश इज़ समवन्स ट्रेजर, तो इस तरह हम लोगों को उस कचरे के थ्रू हम लोगों को एक प्राइज़ मिला, हमें एक ट्रेजर मिला इस तरह। और
अब आप लोग ये सोच होंगे कि हम लोग इस तरह के आर्ट में आए किस तरह हैं, तो ये है कि आर्ट तो हम लोगों को शुरू से प्यार था, लेकिन इस तरह कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह हम लोग इस आर्ट के अंदर इतने हम लोग यू नो घुस जाएंगे एक तरीके से। हम लोगों ने फिर ये फील्ड इसलिए चूज़ की स्कल्पचर की क्योंकि हम लोग क्योंकि थोड़ी यूनिक फील्ड है, हर कोई इस तरह की फील्ड में काम नहीं करता और स्कल्पचर्स बनाने में हम लोगों को थोड़ा अलग ही मज़ा आता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये फील्ड चूज़ की। बेसिकली हम लोग का ये फर्स्ट ईयर है, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी इतने स्कल्पचर्स बनाए नहीं है, लेकिन हम लोग आगे काम करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बना के हम लोग देंगे दूसरों को और अपने आर्ट को अपने फन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम लोग ये काम कर रहे थे तो उस पर हम लोगों को बहुत अप्रिसिएशन मिली, लोगों ने हम लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया कि हम लोगों ने जिस तरह काम किया, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के काम इतने बड़े लेवल पे कभी होते नहीं है। हम लोगों ने वो काम करके दिखाया जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जब वहाँ पे हम लोग एक्सपो पे उसको लेके गए अपने स्कल्पचर्स को, तो लोग देख के इतना हैरान हो रहे थे, जब हम लोग ले जा रहे थे तो लोग इतना हैरान हो रहे थे कि इतने बड़े बड़े स्कल्पचर्स इन लोगों ने बनाए किस तरह, और हम लोगों ने वो स्कल्पचर्स बिल्कुल तकरीबन 10 से 15 दिन के टाइम लिमिट में हर एक स्कल्पचर तकरीबन कंप्लीट हुआ है वो, और ये एक अपने तरीके में अपने में एक कामयाबी है बहुत बड़ी कि हम लोगों ने इतने कम टाइम लिमिट में इतने बड़े बड़े स्कल्पचर्स खड़े किए थे। बहुत से स्कल्पचर्स तो ऑलमोस्ट 7 फुट 8 फुट टॉल थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो काम किया और कामयाबी हासिल की, लोगों से हम लोगों ने अप्रिसिएशन हासिल की, लोग आगे देख देख के जा रहे थे, उन लोगों ने पिक्चर्स लिए, इवन के बाहर से जो जापान से लोग आए हुए थे उन लोगों ने यहाँ पे आके हम लोगों को काम हमारे काम को अप्रिशिएट किया। हमारा जो आर्ट है वो हमारी कम्युनिटी के लिए इस तरह हेल्पफुल है कि हम लोग अपने आर्ट के थ्रू हम लोग बहुत सारे अपने इमोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम लोग हमारा जो आर्ट है वो सिर्फ एक स्कल्पचर या फिर पेंटिंग या फिर इसके थ्रू नहीं रह जाता, हमारा आर्ट जो है वो हम अपने आर्ट के थ्रू लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं। हम लोग अपने आर्ट के थ्रू मैसेज दे नहीं सकते, हम लोग मैसेज देते हैं, बल्कि हम लोग दिखाते हैं कि हमारी अगर एक पेंटिंग है तो वो रो रही है तो वो क्यों रो रही है, और उसके अंदर एक हिडन जो मैसेज होता है वो लोगों को दिखा रहा होता है कि वो आजकल जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो उस तरह के हालात हमेशा नहीं थे, और लेकिन जो हुए हैं वो क्यों हो रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस हम लोग अपने आर्ट के थ्रू दे सकते हैं। इसी मैसेज को लेते हुए फिर लोग हमारी फील्ड में आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब आप माशाल्लाह से देखें हमारे फील्ड में और लोग आना शुरू हो गए, इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। सिर्फ इंजीनियरिंग और ये फिज़िक्स वगैरह सिर्फ फील्ड नहीं रह गई है, अब आर्ट भी एक फील्ड आ गई है और वो इतना प्रमोट हो रहा है उस आर्ट को कि लोग अब इस तरह के फील्ड में आना शुरू हो गए हैं। हमारा जो आर्ट है वो सिर्फ पेंटिंग या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर क्ले वगैरह तक महदूद नहीं है, हम लोग बहुत सारी डिफरेंट मटेरियल से चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये स्कॉर्पियन है, ये साइकिल की चेन और प्लग, बाइक का प्लग, स्क्रू ड्राइवर और इन चीज़ों से मिलके बना है ये, सिर्फ इस तरह जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये इस वाले स्कल्पचर में हम लोगों ने स्पून, मेटल वायर और ये इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की हैं। हम लोग एक महदूद हद तक रह के चीज़ें नहीं बनाते, हम लोग हमारी जो लिमिटेशन है वो इन्फिनिटी है, हम लोग बहुत आगे आगे सोच के हम लोग इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं और बनाते रहते हैं, और इस तरह इंशाल्लाह आगे जाके और बनाएंगे। मेरा नाम हमीद उमर है, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 साल से, और स्कल्पचर डिपार्टमेंट में होता हूँ मैं। स्कल्पचर डिपार्टमेंट में ये जंग मटेरियल से, मेटल से स्कल्पचर बनाता हूँ, स्टूडेंटों को गाइड करते हैं हम लोग मेटल के स्कल्पचर बनाने के, और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गए, बहुत अच्छा मतलब एग्जीबिशन भी हम लोगों ने करवाया कराची स्कूल ऑफ आर्ट से, काफ़ी अच्छा स्कोप है मतलब इसका स्कल्पचर वगैरह का, और मेटल से मुख्तलिफ मेटल वगैरह के जंग मटेरियल से काम कराते हैं। इस मेटल के स्कल्पचर बनाने में काफ़ी स्टूडेंट आगे जा चुके हैं, काफ़ी प्राइज़ भी ले चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंटों को मतलब इनाम भी मिल चुका है इसी स्कल्पचर से, जंग मटेरियल से मुख्तलिफ चीज़ें जमा करके, मतलब नट बोल्ट हो गए या चम्मच हो गए, कुछ भी घर पर कुछ भी पड़ा होता है तो वह मंगवा लेते हैं, तो उससे हम स्कल्पचर एक तैयार करते हैं जो किसी शक्ल में तैयार हो जाती है, मतलब किसी
पार्ट से या किसी सिलेंसर वगैरह किसी चीज़ से भी हम लोग बनवा के उसे एक स्कल्पचर की शक्ल दे देते हैं। इसका जंग मटेरियल से काफ़ी पाकिस्तान में कम लोग काम कराते हैं, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है काम और करवा रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे कराची स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट भी हुए हैं और अभी पढ़ भी रहे हैं, जिन्होंने प्राइज़ भी लिए स्कल्पचर बनाने में इसी जंग मटेरियल से। काफ़ी 6-6 फिट के 5-5 फिट के भी स्कल्पचर हमने बनाए। जंग मटेरियल वो है कि जो घर में या कहीं पर कबाड़ से भी लेके आते हैं स्टूडेंट, काफ़ी चीज़ें मतलब बेकार हो जाती हैं, फेंक देते हैं लोग, तो हम लोग उसे यूज़ करते हैं, किसी काम में लाते हैं कचरे को। मतलब कोई नट वगैरह ख़राब है या कोई चीज़ सलेंसर है या कोई बाइक का कुछ भी कोई पार्ट से ख़राब हो जाता है तो हम उसको यूज़ करके किसी शक्ल में, किसी स्कल्पचर की शक्ल में ले आते हैं, ताकि ये मतलब स्टूडेंटों को भी शौक़ पड़े कि भाई घर पे फालतू चीज़ें हम उनसे मंगवाते हैं, जंग मटेरियल करवाते हैं, वेल्डिंग स्टूडेंटों से भी कराते हैं, स्टूडेंट खुद भी वेल्ड करते हैं, लड़कियाँ हो गए चाहे लड़के हो गए कोई उनको वो नहीं मुश्किल होती। जहाँ तक आर्ट्स का सवाल है, आर्ट्स में सब लोग ज़्यादातर कोई पेंटिंग में चला जाता है, कोई स्कल्पचर में चला जाता है, इसमें वेल्डिंग के काम में या जंग मटेरियल से बनाने में इसमें बहुत कम लोग आते हैं। और अब हम लोगों ने काफ़ी इसको आगे करने का सोचा है, कराची स्कूल ऑफ आर्ट से स्टार्ट किया, काफ़ी स्कल्पचर हमने किए, एग्जीबिशन भी इसके किए, ताकि इसको आगे लाएँ, जंग मटेरियल को कैसे होता है, क्या मतलब ख़राब चीज़ों से हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। आई एम सना ज़हरा, I'm the student of Karachi School of Art. I'm from foundation year. I got into art because हर एक का अपना अपना सेंस ऑफ थिंकिंग होता है, हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, एंड आई गेस वट आई थिंक इज दैट कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ बचपन से ही। मैट्रिक किया, फिर इंजीनियरिंग से इंटर किया, फिर उसके बाद जब हर जगह फिक्स होने की कोशिश की, नहीं फिक्स हो रहे थे, दिमाग आर्ट में ही था, आई हैड टू गो इन आर्ट एंड आई हैड टू डू समथिंग, तो इसलिए मैं आर्ट में आई। एंड स्कल्पचर इज द मोस्ट फॉर मी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव सब्जेक्ट इन आर्ट। आर्ट की बहुत सारी फैकल्टीज होती हैं, इसमें स्कल्पचर एक बहुत मेजर फैकल्टी है, उसमें बहुत क्रिएटिव चीज़ है, इसमें जो भी बंदा क्रिएटिव होता है वो अपना माइंड प्रॉपरली यूज़ कर सकता है। डिफरेंट चीज़ों से स्कल्पचर हम बनाते हैं, तो उसमें मैं स्कल्पचर में इसलिए आई क्योंकि हम इसमें अपनी क्रिएटिविटी पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लोर आवर सेल्फ, और डिफरेंट मटीरियल से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, हमारी क्रिएटिविटी, तो इसलिए मैंने आर्ट में स्कल्पचर चूज़ किया। आइडियाज़ हमारे जहन में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्पिरेशन से, हम कभी भी कहीं भी चल रहे होते हैं, कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हमें बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो फ़ौरन से हमारे जहन में क्लिक करता है और वो चीज़ हमारे जहन में सेव हो जाती है। फिर हमें बीइंग एन आर्टिस्ट हमें ये होता है कि हमें उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, तो हम यहाँ आते हैं, फिर वी जस्ट मेक अ क्विक स्केच ऑफ दैट, ताकि वो जो इंस्पिरेशन है वो ताज़ी ताज़ी स्केच हो जाए, उससे कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ आउट ना हो जाए जहन से, तो हम एक क्विक स्केच बनाते हैं, रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, अपने टीचर के पास लेके जाते हैं, टीचर उसमें जो है वो अचीवमेंट्स और उसको डिवेलप करते हैं, मोर उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसमें हमारी हेल्प करते हैं, उसके बाद जो है वो हम उसका फाइनल स्केच बनाते हैं और फिर आके हम उसे यहाँ पर जो है वो अपना स्कल्पचर बनाना शुरू करते हैं वेल्डिंग से और डिफरेंट चीज़ों से। बेसिकली ये एक अलग ही चीज़ थी हमारे लिए, इस स्कल्पचर को, स्कल्पचर इज़ डिफरेंट बाय अदर थिंग्स ना, लाइक हम पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें एक अलग हैं, ये थोड़ा हमारे लिए डेंजर भी था क्योंकि हम लोगों ने वेल्डिंग की है खुद से और वेल्डिंग इज़ लिटिल बिट डिफरेंट और बहुत ज़्यादा टफ है खुद से वेल्ड करना, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा हेजिटेट भी किया, लेकिन हमारी टीचर ने हमें इतना अच्छा लर्न करवाया, हमें वेल्डिंग वगैरह सिखाई, तो हम लोगों ने किया, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बाकी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रीज़नेबल भी था हमारे लिए स्कल्पचर बनाना, कोई ऐसे जितना एक्सपेंसिव साइट पर एंड ऑल दैट नहीं था, मतलब एक
इंसान अगर अपने अंदर की क्रिएटिविटी दिखाना चाहे ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बस आपके लिए विल पावर होनी चाहिए उसके लिए। अगर देखा जाए तो स्टैच्यू जो होता है वो एक फेमस पर्सन का होता है, स्कल्पचर होता है, स्कल्पचर कुछ भी होता है, हम 3D फॉर्म में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल पार्ट्स से कुछ भी, जो चीज़ फालतू होती है ना, जो किसी के काम की नहीं होती वो हम आर्टिस्ट के काम आती है, हम उससे अपने स्कल्पचर्स क्रिएट करते हैं सोसाइटी को रख कर। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती, हम उसी चीज़ को यूटिलाइज करते हैं अपने लिए वो, और यही इसीलिए हम लोग स्कल्पचर्स कहलाते हैं, इसीलिए वी आर आर्टिस्ट। और सबसे ग्रेट थैंकफुल मैं राबिया आपा को कहूँगी कि उनकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं यहाँ तक पहुँची और मेरा ग्रुप यहाँ तक पहुँचा, एंड आई रियली थैंक्स टू अल्लाह।